हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दीप ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आरती क्या कर रही हो? तो हम लोग जा रहे हैं कहीं अभी। अरे तो मत बताना। अरे बाबू सॉरी, गिर गया यार। लो भाई, तो हम लोग कहीं चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं आपको? लम्बुआ चल रहे हैं। मैं सच बताऊं, मैंने घर पे किसी को नहीं बताया है। मैं जा रही हूँ मेरे मायके, सबको सरप्राइज देना है। अरे तो ब्लॉग देखेंगे तो लोग, इनको पता है, घर पे थोड़ी ना पता है सबको। और ये ब्लॉग मेरा बाद में जाएगा। हाँ 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 हाँ, नानी के यहाँ ही चल रहा है। अरे सामान रखने दो। अब बता दिया आपने? हाँ तो बता दिया, कोई बात नहीं है, लोगों को पता होगा। तो चल के सबका रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। शाम के बज रहे हैं। दादू के घर नहीं, दादू के घर नहीं जा रहे हैं। मेरा गेटअप देख के ये सबको समझ में आ ही गया होगा कि मैं मेरे ससुराल ऐसे नहीं जा सकती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं। रात में कितने बजे तक पहुँचेंगे दीप? 12:00 बज जाएगा। तो दीप की सिस्टर की बेटी की शादी है, तो उसमें भी हमें जाना है। लेकिन हम सोचे हम सबसे पहले आज चलेंगे अपने मायके। नहीं तो ऐसे होता है कि हम निकल आते हैं, जाते ही नहीं। तो चल के आज सबको सरप्राइज देंगे और सबका रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। 12:01 बज जाएगा, तो देखते हैं सब लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें तो चलना है, लेस रिफिल कराना। हाँ बेटा, मैंने सोचा भी नहीं। ओके, कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए जाना है हमें। 2 दिन के लिए इतनी सारी पैकिंग, इतनी सारी, क्योंकि ठंडी है ना। हमारे कपड़े, बच्चे के कपड़े, हमारे शूज, हमारे सैंडल, हमारे स्लीपर, बाबू के स्लीपर, बाबू के शूज, दीप के स्लीपर, सैंडल, सब कुछ है। ठंडी के कपड़े हैं तो इसलिए पैक ज्यादा बन गया। तो चलो मैं आप लोगों से कुछ देर बाद बात करती हूँ। बाय। परिवर्तन स्थल है ना? हाँ, परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन चौकी, प्रतीक स्थल। सामने बोर्ड लगा है, मैं वो पढ़ रही हूँ। हाँ, ये परिवर्तन चौक है। तो ये पत्थर जी को मेरे नींद आई है। देखो, अगर सोशल मीडिया पे आए हो तो आपको ये सब देखना सुनना पड़ेगा ही। जब आपका चैनल चलता है तो आपको पसंद करने वाले भी आते हैं, नापसंद करने वाले भी आते हैं। लेकिन पहले हुआ करता था मेरे साथ, आप लोग देखेंगे मेरे पहले के वीडियोस जाके, मैं बहुत ज्यादा झल्ला जाती थी। अगर मेरे ऊपर कोई एक उंगली उठाता था तो मुझे लगता कि मतलब मैं गलत नहीं हूँ, लोग कैसे बोल दे रहे हैं। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि अगर आप गलत नहीं हो फिर भी लोग बोलेंगे और आपको वो चीज इग्नोर करनी है। यही तो है सोशल मीडिया, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं, यहाँ पर किसी पे हमारा बस नहीं होता है। तो बस यही है, जस्ट मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा बोलना चाहिए। अगर आप लोग भी ऐसे डिमोटिवेट होते हो ऐसे हेट कमेंट से तो मत हुआ कीजिए, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते हो। किसी को कब तक आप सफाई दोगे बताओ, कब तक? बस एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, इतना ही है। अभी हम लोग निकले हैं घर के लिए, अभी हमें जाना है पलाशियो, वहां से मिनीशो से कुछ लेना है। काफी टाइम से आप लोग बोल रहे थे कि दी मिनीशो हॉल कीजिए, तो चलो पलाशियो, पलाशियो में है मिनीशो, तो चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ लेते हैं। नो आइडिया क्या कुछ लेना है, बट हाँ फर्स्ट टाइम मैं कुछ ट्राई करूंगी आप लोगों के लिए। तो बाबू नींद भाग गई? हाँ, चलो मैं अपने बेटे को सुला देती हूँ, आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। बाय।
सो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूँ, एक मिनट रुको। ओह ये बंद हो गया क्या? अच्छा चालू है। रात के बज रहे हैं 9, जस्ट मैं घर पहुंच रही हूँ। तो सबसे पहले मैं चल रही हूँ, मैं हूँ मेरे नए घर में, मम्मी है पुराने घर में। तो सबसे पहले चल रही हूँ मैं मम्मी के पास, बैल सबसे पहले यहाँ पर रख दे रही हूँ। देखो मम्मी क्या कर रही है। आपका फोन वहाँ पर सारा रखा होगा। आ जाओ इधर पकड़ो। अरे स्वेटर तो पहन लो। हाँ पापा मिल गए थे हमें रास्ते में। नहीं चल पा। फिलहाल तो दो ही लोग मिले हैं। नेहा बाटू। चलते हैं अब नए घर। खुशी कहाँ है? चलो जी बात नहीं बतलाएंगे, नहीं बतलाएंगे। काहे नहीं बतलाता? मन नहीं करता मतलब एक ठीक है। चलो फिर बात करते हैं। सो फ्रेंड्स अभी जस्ट खुशी ने मुझसे पूछा दी, मतलब अभी जस्ट मुझे मैसेज करी थी और कह रही थी कहाँ हो, हम कह क्यों बताएं, मतलब बताए नहीं थे कि आ रहे हैं। तो इनको लगा मार्केट वगैरह है, इनका मैसेज आया था, कह क्यों बताएं। तो इनको डाउट हुआ, बोली नहीं नहीं आपको मेरी कसम बताओ कहाँ हो, हम कह नहीं बताना। तो फिर बोली नहीं बता दो, फिर कहे घर करिए घर, हम कहे हाँ तब तक मोबाइल ले ली। कही अभी खुशी नीचे गई और मैं चाय आई चेक करने। चेक करते करते देखो इसने, या किसने चाय बनाई है? खुशी ने चाय बनाई है। क्या बना रहा है स्नेहा? ना तुम ही किचन में थी, देखो कैसे अपनी बहन की बड़ाई कर रही है। किचन में स्नेहा थी और बेकार बहन है। नहीं अच्छी बहन है, अच्छी बन रही है कि मेरी बहन काम करती। मिलते हैं कुछ देर बाद। बहुत ठंडी लग रही है। सो फ्रेंड जस्ट मैं इस वीडियो को एडिट कर रही थी तो मैंने देखा कि मैंने इस ब्लॉग का एंड किया ही नहीं है। अधिकांश होता है जब मैं फैमिली के साथ होती हूँ तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मैंने कैमरा उठाया भी था। तो ब्लॉग तो आप लोगों के साथ शेयर करना ही था। मैं वापस आ गई हूँ लखनऊ, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए गई थी। तो 2 दिन के लिए ही गई थी लेकिन आप देखेंगे काफी अच्छी वीडियोज हैं मेरे पास, तो वेट कीजिएगा उस वीडियो का। सीधी सी बात है, वीडियो आप देख रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो तो आप देखेंगे ही देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, आपके लिए थोड़ी बहुत आपके चेहरे पे थोड़ी बहुत स्माइल ले आएगी। एक्चुअली 2-2 चैनल हैं तो प्रियदीप के लिए जो वीडियोज होते हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो वही अधिकांश निकलता है। सो अभी दीजिए इस जगह पे, देखो थोड़ा सा यहाँ से गए, पानी चेंज हुआ और बाहर ही धूप में हम सेक रहे थे हाथ पैर अपना, वहां बगाव में बहुत ठंडी है। तो देखो 2 पिंपल निकल आया मुझे, कोई नहीं 2 दिन में ठीक हो जाएगा। सो अभी दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस, लव यू ऑलवेज, यू सम लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।